अब इंजरी का है किसी भी मैकेनिज्म से हो, किस तरह से होती है और उसके लिए फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह की इंजरी होगी तो दो या तीन जो है वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जब भी आपको इस तरह की ट्विस्टिंग इंजरी होगी या डायरेक्ट इंजरी होगी, आपको घुटने में सूजन आ जाएगी, घुटने में दर्द हो जाएगा, घुटने पे वज़न डालना मुश्किल हो जाएगा। कई बार मरीज़ एक पॉप, ये एक कट करके आवाज़ भी सुनते हैं, आवाज़ भी महसूस करते हैं। तो ये सारी इन चीज़ों के लक्षण है कि आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घुटने में कट या पॉप करके आवाज़ आना, घुटने के अंदर तेज़ दर्द हो जाना, सूजन आ जाना और घुटने के ऊपर आप लोड लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे लक्षण ACL लिगामेंट इंजरी के हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण चोट लगने के बाद आते हैं तो आप तुरंत ही अपने नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लें। इस चीज़ के लिए आप नज़दीक में किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जब भी इस तरह की चोट होती है तो आपको किस तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की चोट लगती है तो आप घबराइए नहीं, नज़दीक के किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आप जा सकते हैं। आमतौर पर आपका एक एक्सरे किया जाएगा, अगर आपका जो है भाग्य अच्छा है तो आपको फ्रैक्चर नहीं मिलेगा और एक्सरे अमूमन नॉर्मल आएगा, तो उसमें बहुत चिंता वाली बात नहीं होती है। परंतु अगर आपका एक्सरे नॉर्मल आता है तो आप निश्चिंत ना हो, क्योंकि कई बार और बल्कि अधिकतर बार एक्सरे नॉर्मल ही आएगा। तो लिगामेंट इंजरी में एक्सरे नॉर्मल आता है। एक्सरे हम सिर्फ ये देखने के लिए कराते हैं कि कोई हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट आपको इमरजेंसी बेसिस पे कराना रहता है। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो आप उसके लिए कोई जल्दीबाजी ना करें, आप उसका ट्रीटमेंट जो लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट है वो आराम से करा सकते हैं, उसमें किसी तरह की जल्दबाजी करने की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आपका एक्सरे नॉर्मल आ जाता है तो आमतौर पे बेसिक ट्रीटमेंट के रूप में आपको दर्द की दवाई, बर्फ़ का सेक, पाँव ऊँचा रखने का वो और एक बैंडेज, क्रैप बैंडेज या नी ब्रेस दी जा सकती है, जो एक तरह की फर्स्ट एड की तरह में काम करती है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इतने ट्रीटमेंट से संतुष्ट ना हो, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ये ज़रूर निवेदन करें कि वो आपका MRI स्कैन ज़रूर कराएं। तो अगर घुटने का एक्सरे आपका नॉर्मल आता है तो उससे आप संतुष्ट ना हो, उसका MRI स्कैन ज़रूर कराएं, क्योंकि MRI स्कैन आपके घुटने में होने वाली छोटी से छोटी तकलीफ को, लिगामेंट इंजरी को, गादी की इंजरी को पकड़ सकता है और इससे आपके घुटने में होने वाली आगे वाली डैमेज जो है वो बढ़ सकती है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक्सरे नॉर्मल आ गया, पेशेंट ने वापस काम करना शुरू कर दिया, वापस खेलना शुरू कर दिया और वो दूसरी बार गिरा और दूसरी बार इंजरी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप इस तरह की इंजरी को, लिगामेंट इंजरी को या ACL इंजरी को निग्लेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका MRI नहीं कराते हैं तो इंजरी बढ़ सकती है। आमतौर पे पहली इंजरी में आपका सिर्फ लिगामेंट में इंजरी होता है, अगर ये इंजरी बढ़ती है तो आपको गादी में इंजरी भी हो सकता है, आपको दूसरे लिगामेंट्स में भी इंजरी हो सकता है। अगर मैं छोटे में कहूँ तो आपकी तकलीफ भविष्य में बढ़ सकती है और ज़्यादा हो सकती है। और एक चीज़ आपको समझने की है कि अगर सिर्फ लिगामेंट की इंजरी है तो अच्छा रिजल्ट आता है, अगर लिगामेंट के साथ गादी की इंजरी भी रही तो रिज़ल्ट शायद उतना अच्छा नहीं रहे, और एक लिगामेंट से ज़्यादा दो या तीन लिगामेंट की इंजरी हो तो हो सकता है रिज़ल्ट उतना अच्छा भी नहीं रहे। तो अगर सिंपल ACL लिगामेंट की इंजरी है तो उसका सर्जिकल रिजल्ट्स काफ़ी प्रिडिक्टेबल और अच्छे रहते हैं। अब ये हो गया, आपने MRI करा लिया, MRI में अगर आपका MRI नॉर्मल आता है कोई चिंता की बात नहीं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर MRI में लिगामेंट इंजरी आती है तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। लिगामेंट इंजरी स्पेसिफिकली अगर आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL लिगामेंट इंजरी आती है और कंप्लीट इंजरी आती है, मतलब कंप्लीट टेयर ऑफ लिगामेंट आता है, तो आइडियली इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, इसकी सर्जरी करना आवश्यक होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है कि ये लिगामेंट न सिर्फ आपकी जो तकलीफ है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है अपितु आपके घुटने को बचाने के लिए भी आवश्यक है। अगर आप ये लिगामेंट का प्रोसीजर नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे आपके दूसरे लिगामेंट पे और घुटने की गादी में भी स्ट्रेन पड़ सकता है,
उसमें भी आगे अधिक चोट आ सकती है जिससे आपके घुटने में आया हुआ घिसारा और डैमेज भविष्य में बढ़ सकता है। तो आप अपने घुटने को बचाने के लिए, घुटने की लाइफ को बढ़ाने के लिए और घुटने की स्थिरता को बढ़ाने के लिए लिगामेंट सर्जरी कराने के विषय में विचारें।